फ्रेंड्स, आज हमारा आज का टॉपिक है फ्रंट फुट डिफेंस। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्रंट फुट और बैक फुट डिफेंस कैसे करते हैं क्रिकेट में। जो फ्रंट फुट डिफेंस है मतलब जो गुड लेंथ पे बॉल आ रही है और यहाँ यॉर्कर लेंथ पे आ रही है, वो हमें कैसे फेस करनी है फ्रंट फुट डिफेंस करके, वो आज हम आपको बताएंगे फ्रंट फुट डिफेंस में। तो शुरू करते हैं पहले ग्रिप से। जो नॉर्मल ग्रिप होती है वो ये तीन उंगलियाँ लेके और ये बीच में से पकड़ के, वो अपने अपनी मतलब की वो है कि जिसको मतलब ठीक लगे अपनी ग्रिप वो अपने आप खुद बना सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कहीं से भी कोई भी ग्रिप बना सकते हैं। तो जो मेरी ग्रिप है नॉर्मली वो ये है। तो हमने पहले मतलब बॉलर के हाथ पे देखना कि बॉल कैसे करवा रहा है, और अगर बॉल आपके मतलब लेंथ में है तो आप मतलब डिफेंस कर सकते हो, मतलब आपको वो शॉर्ट लेंथ पा रहा है तो आप पुल और कुछ भी मार सकते हो, शॉट मार सकते हो। बट अगर आपको यॉर्कर बॉल आ रही है तो आपको डिफेंस करना ही होगा। और डिफेंस के लिए हम आपको बताते हैं कि मतलब जो बॉल को पहले देखना है, बॉल को देखना है और उसके बाद डिफेंस करना है। तो हम आपको बताते हैं कि पहले आपने स्टैंडिंग कैसे होना है। ये वैसे विकेट है आपकी और ये आप वहाँ पे सामने बॉलर बॉलिंग करवाने के लिए आ रहा है, तो हमारे को पहले नॉर्मल खड़ा होना है नॉर्मल पोजिशन में। जैसे हम नॉर्मल पोजीशन में अपनी ग्रिप के अनुसार हम खड़े हुए तो उधर से बॉल करवाएंगे, तो हमने ये डिफेंस करना है। बॉल को देखना है, अपना फ्रंट फुट आगे लेके आगे, ये फ्रंट फुट आगे लेके आए और ये बॉल को देखना है। जो हमारी बॉल आ रही है उसको बिल्कुल देखना है हमने। तो अब हम आपको बताते हैं बैक फुट डिफेंस कैसे करना है क्रिकेट में। तो हमें स्टांस में खड़ा होना है नॉर्मल। तो जो हमारा जो शॉर्ट बॉल आ रही है उस शॉर्ट बॉल को हमने मतलब बैक फुट पे खेलना है और बॉल की लाइन से थोड़ा सा दूर होके खेलना है, क्योंकि कोर्ट बिहाइंड का बहुत वो रहते हैं, चांस रहते हैं इसमें। तो हम बैक फुट डिफेंस में हम वही नॉर्मली पहले ग्रिप बनानी है और उसके बाद जो हमने बॉल खेलनी है वो यूँ खेलनी है कि मतलब हमारी विकेटें सेफ रहे और ना हम लेग बिफोर हो। अपने अपने बैट को हमने बिल्कुल ऐसे नॉर्मली ग्रिप पकड़नी है और बॉल को बैक फुट पे जाके खेलना है और बॉल की लाइन से दूर, क्योंकि बॉल की लाइन से दूर खेलेंगे तो हमारे को पूरा चांस मिलेगा बॉल को खेलने का। तो ये हमारा हो गया बैक फुट डिफेंस। और बैक फुट डिफेंस में हमने ये देखना है कि हम विकेट के ज़्यादा नज़दीक ना आए, क्योंकि फिर हिट विकेट के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर हम यूँ बॉल खेल रहे हैं और हम यूँ ज़्यादा अंदर विकेट के अंदर चले गए तो हम हिट विकेट आउट हो सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है बैक फुट डिफेंस में।